मध्य प्रदेश में सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। आप सब जानते हैं किस तरीके से कमलनाथ सरकार गिरने के बाद, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के बाद प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपाई हो जाने के बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर गई, सत्ता शिवराज सिंह चौहान के हाथ में आ गई और अब इन सबके बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत का बड़ा बयान सामने आ गया है। रामनिवास रावत ने कहा है, जो कांग्रेस जन अभी तक कांग्रेस पार्टी में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए, वो 3 दिन के अंदर अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि वो कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं या नहीं। कांग्रेस में अपनी आस्था नहीं रखने वालों की स्क्रूटनी करके उनके खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बैठक में कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए पार्टी शीघ्र ही रिक्त स्थानों की पूर्ति करेगी। नए सदस्य भी निरंतर कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 समर्थक विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने हाथों में लिया। उसके बाद से ही लगातार अटकलों का दौर जारी था। खबर आ रही थी कि कांग्रेस के कई और नेता भी हैं जिनके पार्टी में आस्था नहीं है, जो लगातार सिंधिया के साथ बातचीत कर रहे हैं और उपचुनाव से पहले कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। अब इन सबके बीच यहां पर स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि जिन कांग्रेस नेताओं को पार्टी में विश्वास नहीं है, पार्टी में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं वो कर पाए हैं, वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। पार्टी अपना संगठन मजबूत करेगी, उपचुनाव में वापसी करेगी। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।